औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर व्यूअर्स, संजू टीवी के साथ एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली दफ़ा हमने एस्ट्रोलॉजी के हवाले से एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, जो कि काफ़ी लोगों का जो फीडबैक था बड़ा पॉजिटिव रहा। तो इस हवाले से हमने दोबारा डिसाइड किया कि हम इस टॉपिक पर दोबारा प्रोग्राम करें। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट सईद औरंगज़ई साहब, और इसके साथ हमारे साथ अली तुराब बंगर साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम उस बातों पर थोड़ा फोकस करते हैं जो आप लोगों का फीडबैक रहा, आप लोगों के सवालात रहे, जो आप लोगों ने इनबॉक्स किए, जो आप लोगों ने फ़ोन पर सोशल मीडिया किए, हमारे साथ रابطे किए, उस पर बात करेंगे। और इंशाल्लाह फिर आगे जो हमारा प्रोग्राम है कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, जो 12 बुर्ज है, उस हवाले से अली तुराब साहब बंगश जो है वो आप लोगों को आगाह करेंगे। अली तुराब साहब बंगश, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। सईद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जैसे कि व्यूवर्स, आप लोगों को पता है कि एस्ट्रोलॉजी ये बेसिकली है क्या, ये तो अली तुराब साहब बंगश आप लोगों को आगाह करते रहेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा मिसाल अगर आप लोगों को दूँ, जिस तरह के महकमा मौसमियात वाले हैं जो कि आपको एक हफ़्ता पहले से ही बता देते हैं कि फ़लाँ दिन से जो है बारिश का इम्कान है, फ़लाँ दिन से जो है झालाबारी होगी, बारिशें होंगी, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी है। ये भी इंसानी ज़िंदगी पर इम्पेक्ट करती है, आपको आपके फ्यूचर के बारे में आगाह करते हैं। कैसे आगाह करते हैं ये अली तुराब साहब बंगश आप लोगों के साथ इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि कैसे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है आप लोगों की ज़िंदगी पर, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको अपने बुर्ज जो आपका स्टार है उसके बारे में आपको पता हो। वो कैसे आपको पता चलेगा, डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ है, 12 बुर्ज हैं, हर बुर्ज का अपना एक लेवल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है ये 21 मार्च है, तो इसी तरह आप लोगों के सेपरेट डेट ऑफ बर्थ हैं, तो सेपरेट कैटेगरी वाइज आपके स्टार हैं। तो हर स्टार का अपना एक वीकली, मंथली, डेली बेस पे एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है वो एक लाए अमल तैयार करते हैं, और उसमें ये आपको कहते हैं कि आने वाला दिन या आने वाला हफ़्ता या आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इन्हीं तमाम मौजूदात पर बात करने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट अली तुराब साहब बंगश मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, और हमारे साथ जर्नलिस्ट सईद औरंगज़ई साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो अली तुराब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साजिद हुसैन बंगश साहब कि आपने हमें दोबारा मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करना चाहते हैं जो ज़ोडिक साइंस के 12 बुर्ज हैं, ज़ोडिक साइन के, तो उन्हीं पे बातचीत करते हैं। जो फर्स्ट बुर्ज है ज़ोडिक साइन का, बुर्ज हमल, तो इनके हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू व्यूवर्स के साथ शेयर करें कि ये किन किन लोगों पे अप्लाई होता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। देखिए सईद, पहले तो लोगों को ये पता चल जाए कि ये ज़ोडिक साइंस वगैरह ये होते क्या हैं और ये हमारी ज़िंदगी पर कैसे इम्पेक्ट करते हैं। तो ये ऐसे है कि आसमान 360 डिग्री का आसमान है, और इसको हर 30-30 डिग्री पर डिवाइड किया हुआ है, और हर 30 डिग्री को हम माहिरें जो नजूम हैं तो उन्होंने इसको अपना एक एक नाम दिया हुआ है। और जैसे कि 24 घंटे हैं, उसको डिवाइड किया गया है 2-2 घंटे पर, यानी 2-2 घंटे पर उसको 2-2 आवर्स पर उसको डिवाइड किया है, तो हर आवर्स को अपना एक नाम दिया हुआ है। फिर इसको बड़ा करके महीनों पर इसको तरतीब दिया गया है, जैसे 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान जिन लोगों की पैदाइश है उसे बुर्ज हमल कहते हैं, फिर टॉरस है, एरीज, जिमनाय है, सरतान है। जी बिल्कुल अली तुराब साहब बंगश, जिस तरह आपने बात की कि हर मतलब ये जो स्टार है ये लिंक है डेट ऑफ बर्थ के साथ, ये लिंक है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है, जितने भी हमारे कुछ व्यूवर्स हैं उन लोगों ने ये मैसेजेस किए हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि उनके वालिदैन, देखें अभी तो दुनिया जो ये है सोशलाइज़ हो रही है, डिजिटलाइज़ हो रही है, तो पिछले ज़माने में इस तरह था कि बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं तो उनके वालिदैन ऐसे ही अपनी तरफ से एक डेट ऑफ बर्थ उनके सीने से स्कूल में जस्ट एडमिशन के लिए, हाँ, तो वो एक अपनी तरफ से डेट ऑफ बर्थ लिख देते, हालांकि डेट ऑफ बर्थ उनका जो है वो डिफरेंट होता था। तो यहाँ पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को
کہ وہ کس طرح ان کی جو ریئل ڈیٹ آف برتھ ہے یا ان کو کیسے معلوم کریں گے یا ان کا اسٹار آپ کس طرح نکالتے ہیں؟ دیکھیے ساجد بھائی، یہ ایسے کہ یہ عام لوگوں کے بس کی پھر بات نہیں ہے، یہ کسی اسٹرالوجر سے یہ کنفرم کرنا پڑے گا کہ ہمارا زوڈک کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نام کا جو سر حرف ہے، جیسے جن لوگوں کے نام علی ہوں تو ان کو ہم پھر زوڈک ہے ایریز میں ڈال دیتے ہیں، پھر جن کے نام یعنی بے سے شروع ہوں جیسے وہ سے سر حرف سے، ان کے زوڈک سائن پر ہم تشکیل سے ان کا جو ترتیب ہے وہ سے جن کا مطلب صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیٹ آف برتھ ان کو معلوم ہو، اگر کچھ ایسے لوگ جن کو ڈیٹ آف برتھ میں کوئی ایشو ہو تو وہ نام کے ساتھ بھی آپ لوگ ان کا سٹار نکال سکتے ہیں۔ ہاں جی ہم، لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں پر زیادہ اسٹرالوجی میں زیادہ جن کا پھر صحیح رزلٹ آئے تو ان کو ضروری ہے، وہ پہلے تو ڈیٹ آف برتھ صحیح معلوم ہونا چاہیے، اگر ڈیٹ آف برتھ نہ معلوم ہو سکا تو پھر علم الاعداد سے ان کا ہم ڈیٹ آف برتھ یہ زوڈک سائن نکالتے ہیں۔ نام کے حوالے سے نام سے بھی نکالتے ہیں اور علم الاعداد کے وہ طریقے کچھ ڈفرینٹس ہیں ان سے بھی پھر، لیکن یہ ہے کہ یہ پھر ہر پرسن اپنے لیے خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے ان کو رابطہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا زوڈک سائن کیا ہے، پھر ہمارا سٹارز کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ڈیٹ آف برتھ جن لوگوں کو معلوم ہو تو ان کو ہم زیادہ ان کا رزلٹ پھر صحیح نکلتا ہے۔ جی اچھا، تو چلتے ہیں زوڈک سائنس کا جو اسٹیپ نمبر ٹو ہے، برج سور، یہ کن لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس میں لوگوں کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا؟ یہ دیکھیے سعید بھائی، یہ ہر ایک مہینے پر ہم نے اس کو ترتیب دیا ہوا ہے، جیسے کہ 21 مارچ سے ہمارے علاقے میں یا ایران ہو گیا، ازبکستان ایسے ہو گئے اور انڈیا کا کچھ حصہ، اور ہمارے افغانستان میں نوروز منایا جاتا ہے، یعنی نوروز یعنی نیا سال، یہ اسی ایسٹرالوجی سے نکلا ہوا ہے۔ جب شمس برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو یہ ہم اسے سن سائن ان کو بولتے ہیں، ان کو دوسرا نام سن سائن بھی بولتے ہیں، جیسے 21 مارچ سے 20 اپریل حمل ہو گیا، اس کے بعد پھر ٹورس ہو گیا، اسی کو ایک ایک منتھ ہم دے کر ان کی ترتیب دی، ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اس طرح، 12 زوڈک سائن یعنی حمل سے شروع ہو کر ہوت پر ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کے حوالے سے ہر ایک کا الگ الگ زیچہ بناتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عمومی زیچہ جو اب ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں، یہ سن سائن کے حوالے سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ اب ہر کسی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی زندگی پر یہ کیسے امپیکٹ کرتا ہے، اس کا ایک ذاتی زیچہ بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عوامی، یہ عمومی ہے، یہ ہر کسی کے لیے ہو گیا، لیکن یہ کہ یہ پھر زیادہ ہر کسی پر اپلائی نہیں ہوئی۔ آج ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 12 گھنٹے ہیں جو دن کے، اس میں گھنٹے وائز ایک ایک برج اپنا ٹائم بدلتا ہے، جیسے ابھی 12 یا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اگر صحیح اپنا ذاتی زیچہ بنوائیں گے تو ان کو پھر صحیح اویئرنیس ملے گی، جیسے کہ ڈیٹ آف برتھ بھی معلوم ہو، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ، تو ان کا ایک ذاتی زیچہ پھر بنے گا، اس ذاتی زیچے سے ان لوگوں کے ریزلٹس وغیرہ جو ہم پریڈکٹ کریں گے تو وہ ان لوگوں پہ زیادہ اثر کرے گا، اچھا ہی رہے گا۔ جی اچھا، تو چلتے ہیں جو سٹیپ نمبر 3 ہے، برج جوزا، یہ کن کن لوگوں کے لیے بہتر ہے، یہ کن لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے جو سٹیپ نمبر 3 ہے؟ جیمنائی یعنی جوزا، جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ 22 مئی سے لے کر 21 جون کے درمیان ہے، ان کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، تو شراکتی، ازدواجی اور اہم کاروباری جذباتی امور آپ کے توقعات کے اگر برعکس ہوں تو صبر وغیرہ سے بہت کام لیں، یہ ہفتہ بہت احتیاط طلب دکھائی دے رہا ہے، خاص کر کے برج جوزا والوں کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ اپنا صدقہ وغیرہ اس ہفتے نکالیں، خاص کر کے کاروبار کے حوالے سے، اور شراکت دار ہو گئے یا دوست وغیرہ ہو گئے تو یہ ہفتہ بہت احتیاط طلب رہے، احتیاط سے گزارا، یہ صدقہ وغیرہ یہ پابندی سے نکالیں۔ ہاں جی، ہر صبح اپنا صدقہ نکالا کریں، صدقے سے دن کا شروعات کیا۔ چلتے ہیں جو سٹیپ نمبر 4 ہے، برج سرطان یعنی کینسر، کینسر لوگوں کا ہم دیکھیں، یہ 22 جون سے لے کر 25 جولائی کے درمیان جن لوگوں کی پیدائش ہے، تو یہ مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں، سفر کا پروگرام ان لوگوں کا بن سکتا ہے، اجنبی افراد سے محتاط رہیں، کاروباری امور میں خاطر خواہ فائدہ ممکن ہے، اور
کیریئر میں مزید بہتری ہو سکتی ہے، جذبات کا اظہار ہو سکے گا، مقصد میں کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے۔ تو یہ ہفتہ اگر ہم ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں تو کافی ملا جلا ہفتہ دکھائی دے رہا ہے، تو یہ ذرا اس ہفتے احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، انشاءاللہ یہ ہفتہ گزرنے کے بعد حالات ان کے لیے ہم ویسے بھی پروگرام کریں گے تو ان کو آگاہ کیا جائے گا۔ جی پھر سے تو اسٹیپ نمبر 5 جو ہے برج اسد یعنی لیو، لیو یہ 24 جولائی سے لے کر 23 اگست کے درمیان جن لوگوں کی تاریخ پیدائش ہے تو یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے۔ محققانہ تحقیقاتی صلاحیت اجاگر ہونے سے آپ کی زندگی کے روز و شب بدل سکتے ہیں۔ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت، زراعت سے تعلق رکھنے والے اسد افراد کا نفع اس سال بڑھ جائے گا، مقاصد میں کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ تو یہ اگر ان کے حوالے سے ہم دیکھیں، یہ ہفتہ ان لوگوں کا کافی خاص کر کے فائنینشلی پوزیشن ان لوگوں کی بہتر ہو سکتی ہے اگر ان لوگوں کو چاہیے۔ ہاں جی، اگر کوئی اپنا کام وغیرہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا کہیں سے منافع وغیرہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کوشش کریں ہاں جی، تو اسٹارٹ لیں، انشاءاللہ ان کا بہتر رہے گا۔ اور جو سٹیپ نمبر 6 ہے برج سملا ویرگو یعنی ویرگو، ہاں سعید بھائی یہ ویرگو والوں کا دیکھیں، یہ 24 اگست سے لے کر 23 سپتمبر کے درمیان جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان لوگوں کے حوالے سے ہے۔ الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں تاکہ بعد میں پچھتاؤ نہیں، یعنی پہلے جیسے مثال بھی موجود ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو، یعنی اپنی زبان کا استعمال، کیونکہ مرکری کمبسٹ ہے اور غروب یافتہ ہے تو اس وجہ سے ان لوگوں کو بہت ہی جو ان لوگوں کا لاٹ پلینٹ جو ہے مرکری یعنی عطارد جسے ہم بولتے ہیں، وہ بغیر بولنا ہی نہیں بالکل سوچنے کے بعد بولیں، ہاں جی، تو ان لوگوں کے لیے اور بھی کچھ ہے تو مصروفیت میں کمی ان لوگوں کی آئے گی، مسائل حل ہو سکیں گے، مالی پوزیشن مستحکم ہو سکے گی۔ بالکل ساجد، یہ تو اگر ہم دیکھیں تو سوچنے کے بعد جو بھی لوگ بولتے ہیں تو اکثر پچھتاتے نہیں ہیں پھر، اور جو لوگ بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں تو اکثر وہی لوگ پچھتاتے ہیں۔ چلتے ہیں تراب صاحب سٹیپ نمبر 7 پہ جو برج میزان ہے۔ برج میزان یعنی لیبرا والوں، جو 24 سپتمبر سے لے کر 23 اکتوبر کے درمیان جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ ہے تو ان لوگوں کے لیے پہلا ہفتہ اگر ہم دیکھیں، سوچ مثبت ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ دکھائی دے رہا ہے، کاروباری معاملات ملتوی ہو سکتے ہیں، ملازمت سے متعلقہ معاملات حساس رہیں گے، دوران سفر اجنبی افراد سے محتاط رہی ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، گھریلو معاملات سازگار رہیں گے، اور اس کے علاوہ دوستوں کا تعاون بھی دکھائی دے رہا ہے اسی ہفتے میں۔ جی دوستوں کا تعاون اگر دوست مددگار نہ ہو تو انسان کے بہت سارے معاملات ویسے بھی بگڑ جاتے ہیں، یہ دوست ہماری زندگی میں بہت یعنی اہم کردار ادا کرتے ہیں، دوستوں سے تعاون حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، چلتے ہیں جو سٹیپ نمبر 8 ہے ہمارا برج عقرب۔ برج عقرب 24 اکتوبر سے لے کر 22 نومبر کے درمیان جن لوگوں کی تاریخ پیدائش ہے ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس ہفتے نصیب یاوری سے بہت بگڑے کام بن جائیں گے اور کاروباری سفر فائدہ مند رہے گا، صحت بہتر رہے گی۔ اس ہفتے جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا، بیرون ملک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے، مصروفیات میں کمی رہے گی، کاروبار یا گھریلو معاملات خوشگوار رہیں گے۔ یہ ہفتہ اگر ان لوگوں کا ہم دیں گے تو بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے، کافی اچھا دکھائی دے رہا ہے، یہ خوش نصیب، ہاں کیونکہ ایسے ہے نا کہ ایسا سال کا پہلا ہفتہ بھی چل رہا ہے تو انسان کا جو کہ ہو جائے تو اچھا ہے نا، اگر سال کا سٹارٹ ہی اچھا رہے تو انشاءاللہ پورا سال جو آنے والے مہینے ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے، یعنی یہ عقرب والے جو لوگ ہیں یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ چلتے ہیں جو نیکسٹ اسٹیپ ہے برج کوس کی طرف۔ جی برج کوس سیجٹیریس یعنی 23 نومبر سے لے کر 21 دسمبر کے درمیان جن لوگوں کی پیدائش ہے، غصے اور جذبات پر قابو رکھیے اور صبر اور تحمل سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے کافی پیچیدہ نظر آ رہے ہیں، تقریبات کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے، آمدن میں اضافے کے چانسز بہت ہیں،
ज़्यादा आमदनी में इजाफे का इम्कान है, मकसद में कामयाबी भी इन लोगों की हो सकती है। तो ये कुछ ये नहीं है कि अपनी जज्बात पर अगर ये लोग काबू रखें ना तो ये सिर्फ लड़ाई झगड़े वगैरह से भी बचे रहेंगे, और इसके अलावा ये है कि इन लोगों को जो फाइनेंशियली पोजीशन है वो अच्छी दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप नंबर जो 10 है, बुर्ज जदी। ये बुर्ज जदी 22 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो उनके हवाले से है। मुलाजमत से मुतलिका उमूर बेहतर रहेंगे, मुलाजमत की तब्दीली का सोच सकते हैं, सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है, ड्राइविंग करते वक्त मुहतात रहें, सोच पस्त हो सकती है, बहस व मुबाहिसा में हद मुयन करें, फैसला करने में जल्दबाजी से गुरेज बेहतर रहेगा, वरना ख्वाह की मसाइल वगैरह में ये लोग फंस सकते हैं। तो ये इन लोगों का भी अगर हम देखें तो मिला जुला हफ्ता दिखाई दे रहा है, एक जैसा थोड़ा सा डिफरेंस है बस चंद चीज़ों का ये है कि कुछ इंसान ज़रा अकल वगैरह से काम लें। असल में ये आप देख रहे हैं, हम जितनी भी ज़ोडिक साइन बयान कर रहे हैं तो मसाइल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। असल में ये बुर्ज जद्दी में केरान हुए अभी नज़दीकी ये जुहल और मुश्तरिका, तो इस वजह से बहुत सारे मामलात आप देख रहे हैं, हर इंसान ज़रा परेशान भी है और बात करने में भी हकलाहट महसूस करें, एक ये अतारत भी इस वक्त कम्बस्ट है ना, तो ये इस वजह से ये मसाइल लोगों को पेश आ सकते हैं। ये मसाइल तकरीबन जनवरी और ये फरवरी तक ये ख़त्म हो जाएंगे, ये अतारत जब जो नेक्स्ट वाले मंथ है आगे वाले जो इंशाल्लाह इसमें हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ख़ास करके ये जो महीना है जनवरी का जो फर्स्ट महीना भी है तो बहुत सारे मामलात इसमें गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। अल्लाह हम दो आगे हैं सब के लिए कि खुदा सब के लिए बेहतर करें, बड़े मसाइल हैं ये हल हो जाएं इंशाल्लाह। अच्छा जी, जो नेक्स्ट स्टेप है 11 का, जो 11वां स्टेप है बुर्ज दल्व। हाँ जी, एक्वेरियस, ये जी 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी के दरमियान जिन लोगों के तारीख पैदाइश है तो दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा, जिसके बाइस तबीयत खुशगवार रहेगी, मसरूफियात और जिम्मेदारियां में इजाफा होगा, हासिदीन नुकसान पहुंचा सकते हैं, ख्वाहिशात की तकमील में अभी वक्त दरकार है, कैरियर में बेहतरी के इम्कान है, खुशियां बांट सकेंगे, जहनी तहकीकी सलाहियतों में खातिरख्वाह इजाफा मुमकिन हो सकेगा, दूसरों पर फौकियत हासिल रहेगी, मकासिद में कामयाबी मेहनत से मुमकिन हो सकेगी इंशाल्लाह। तो ये लोग भी, ये दोस्तों का जिक्र बहुत आ रहा है, तो दोस्त जो होते हैं ये इंसान की कमर होते हैं, यानी उनको बूस्ट अप कर देते हैं। आप बहुत ज़्यादा यानी बोर बैठे हुए हैं, अगर आपका दोस्त कहीं से आ जाता है तो आप देखते हैं, आप अगर आपका जो दोस्त है वो अच्छा होगा तो आपकी मूड वो चेंज भी कर सकता है, अपने अच्छी बात बहुत सारे मुश्किलात में आपका दोस्त जो है आपके काम आ सकता है, आपका साथ दे सकता है, इसके अलावा आपको अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं। तो इस हफ्ते में तमाम ज़ोडिक साइंस वालों के लिए ये एक मेरा सजेशन है कि अपने अगर नाराज़ और रुटे हुए दोस्त वगैरह हैं तो उनको मना लीजिए, ये हफ्ते आपके बड़े अच्छे गुजर जाएंगे, ये जितने भी हालात आ रहे हैं आगे तो इंशाल्लाह इन हालात से ये लोग जो नाराज़ दोस्त है उनको मनाना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, ये तो हमारे रसूल खुदा का भी फरमान है कि ये पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए ना, ये नहीं नेगेटिव। स्टेप नंबर जो लास्ट है 12वां जो स्टेप है बुर्ज हूत। जी, बुर्ज हूत यानी पाइसेस, ये 12 मुंतकतल बुरुज का आखिरी बुर्ज है, इनका 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च के दरमियान जो लोग पैदा हुए ये उन लोगों का ज़ोडिक साइन है, यानी हमारे मुंतकतल बुरुज का ये आखिरी ज़ोडिक साइन है। इसके जी इसके हवाले से ये है कि हकायक की रोशनी में मामला तय कर सकेंगे, मकासद में कामयाबी हासिल होगी, रिस्क और एडवेंचर की ख्वाहिश रहेगी, तबीयत हसास रहेगी, जज्बात की हकीकी अकासी कर सकेंगे, अजीज़ व अकारिब से ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे और दोस्तों के ताउन से कारोबारी मसाइल भी जल्द और अहसन तरीके से हल हो सकेंगे, बैरूनी मुल्क सफ़र का प्रोग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जी ये खास करके ये बुर्ज हूत वालों के लिए जो है, तो ये इन लोगों के हफ्ते के बारे में हमने, ये फर्स्ट हफ्ता है तो और ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम भी है, तो इन लोगों को देखना चाहिए और मामला से हम चलो
नाज़रीन, आप लोगों ने अली तुराब साहब की बातें सुनी, जो आपको 12 जितने स्टार हैं उनके बारे में अली तुराब साहब ने आपको बताया कि आपका आने वाला हफ्ता जो है ये कैसा रहेगा। अभी थोड़ा हम गुफ्तगू करेंगे, बहस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पे जो हमारी लाइफस्टाइल में डेली बेसिस पे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे साथ कुछ इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको मिसाल दूँ कि हम कोई पत्थर या अंगूठी वगैरह पहनते हैं तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, तो हमारा जो ये जहन है, हमारे जहन में ये आ जाता है कि मैंने ये पत्थर पहना था, ये हम पे अच्छा नहीं गया, तो आप डायरेक्टली जो है उस पत्थर को हटा देते हैं, या आप कोई गाड़ी ख़रीद लेते हैं, या इस तरह आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो जब इस तरह कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम फौरन, हमारे जहन में ये आ जाता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ या पत्थर या गाड़ी ये हम पे अच्छी नहीं गई। तो इस हवाले से अब हम अली तुराब साहब से बात करेंगे कि जिस तरह आपने स्टार का बता दिया कि ये जो स्टार्स हैं जिसकी मतलब डेट ऑफ बर्थ है अलग अलग, उसका डिफरेंट स्टार है, तो आप ये भी बता दें कि जिस तरह के लोग हैं, मतलब पत्थर है, इनके भी अलग अलग वो होते हैं कि मतलब जो हमल का होगा उनका अपना अलग एक पत्थर होता है, और इस तरह दूसरा जो एरीज है, डिफरेंट जितने भी स्टार हैं उनका सेपरेट स्टोन्स वगैरह, इस चीज़ के बारे में आप हमारे व्यूवर्स को आगाह करें। जी साजिद भाई, अगर आप देखें, आपने पत्थर के हवाले से हमें से पूछा, तो ये ऐसे है कि हर जोडिक साइन का और फिर हर स्टार का जोडिक साइन अलग है, यानी बुर्ज है, और यानी एक घर है। घर आप इस मिसाल एक बुर्ज ले लीजिए और उसके मकीन को आप स्टार ले लीजिए, जैसे घर का मालिक। तो हम हर एक बुर्ज का अलग अलग जैचा बना होता है और फिर हर इंसान का भी एक अलग जैचा बनता है। तो जैचे के लिहाज से हम देखेंगे कि उसका लॉर्ड प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, वो अच्छे घर में बैठा है या वो बुरे घर में बैठा है, तो उसके हवाले से फिर हम जैसे स्टार्स की पोजीशन होती है, फिर उसी के हवाले से हम उसको वैसे ही नग पहनाते हैं कि ये आपके स्टार्स को एक्टिवेट या डिसएक्टिवेट कर दे। मतलब ये चीज़ें मैटर करती है, जिस तरह के पत्थर हो गया और कलर्स हो गए। अब हर इंसान की अपनी एक चॉइस होती है, ठीक है, हर इंसान की। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरे कलर जो फेवरेट कलर है येलो एंड ब्लैक है, इसी तरह हर इंसान के अपने कुछ कलर्स होते हैं, जो अगर वो कार लेना चाहता है या वो कपड़े लेना चाहता है तो वो अपनी एक चॉइस के मुताबिक लेना चाहता है। यहाँ पर आप ये एक्सप्लेन करें कि ये कलर्स वगैरह हो गए, ये भी मैटर करते हैं इंसान के साथ, ये किस तरह, ये भी स्टार के साथ रिलेटेड होते हैं या बाय नेचर ये चीज़ें जो है इंसान के साथ लिंक होती है? ये ऐसा है कि ये जितनी भी आप मामलात के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, तो ये जितनी भी मामलात हैं ये कहीं ना कहीं आकर एस्ट्रोलॉजी को टच करते हैं। जैसे कि शम्स है, अभी आप देख रहे हैं धूप चढ़ी है, तो ये इतवार का दिन शम्स से मुतलक है, तो उसके लिए फिर येलो रंग हो गया। फिर आज जो आज का दिन है इससे ब्लैक, देखें हाँ हेमनी भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का टच हो जाते हैं। जैसे आज ब्लैक का डे है, यानी आज ब्लैक से रिलेटेड डे है, तो आप भी देखें, मैंने भी ब्लैक से और आपने भी इतफाकन ब्लैक ही पहने हुए हैं, तो ये एक्टिवेट कर देते हैं स्टार्स को, ये एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आती है ये। जी अली तुराब साहब बंगश, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। पिछला प्रोग्राम भी हमने किया था जिसमें हमने डिफ़ाइन किया था थोड़ा, अली तुराब साहब बंगश ने एस्ट्रोलॉजी को डिफ़ाइन किया था कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है क्या और ये किस तरह हमारी ज़िंदगी पर इम्पेक्ट करता है। और दूसरी बात ये कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो इनबॉक्स करते हैं, पेज पे वो रब्ता करते हैं, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप कर देते हैं, और अली तुराब साहब बंगश के साथ जो है उनको जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर रब्ता करते हैं। इंशाल्लाह हम आने वाले जो हमारा प्रोग्राम होगा, आने वाला जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम उनके जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताता चलें कि अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है और आप चाहते हैं कि वीकली बेसिस पे हमें अपडेट्स मिलती रहें, तो आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी के साथ मिलती रहें। अली तुराब साहब बंगश और मोहम्मद सईद और अगजई साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के
के साथ दोबारा आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। आप लोगों के कोई भी जहन में सवालात आते हैं, चाहे वो बुर्ज के हवाले से हैं या आप लोग जो आप लोगों के स्टार है उनके हवाले से, आप लोगों के जितने भी जहन में आप लोगों के सवालात आते हैं, आप अपने पैगामात हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम उसको ज़रूर डिफ़ाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही था। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।